राजस्थान राज्य की बात करें तो आज हम पहुंचे हैं जी पदमपुर तहसील, उसके पास एक ग्राम है सिक्सिया ग्राम। 29 अगस्त से 1 सितंबर तक राजीव गांधी खेल ओलंपिक होंगे जी, तो स्कूल में तैयारी करवाई जा रही है जी और सभी आयु वर्ग के बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। और 6 खेल होंगे जी, हॉकी, कबड्डी, खो खो, शूटिंग, वॉलीबॉल और 100 स्कूलों में तैयारी करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं आज स्कूल ग्राउंड में खड़े हैं जी, सिक्सिया ग्राम का स्कूल है जी ये। हाँ जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिक्सिया, खो खो की तैयारी करवाते हुए प्रिंसिपल मैडम है निधि बजाज मैडम है। और इसी कड़ी में हम जुड़ते हैं टीचर सर श्री राम गोपाल जी से। सर आपका स्वागत है जी। हाँ जी, सप्तमी चैनल में आपका स्वागत है जी। सर नमस्कार। जो सर ये तैयारी चल रही है जी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक गेम हो रही है, जो कि राज्य सरकार द्वारा 29 से 1 तारीख तक इसको करवाया जाएगा। इसमें कबड्डी है, खो खो है और ये पंचायत सत्र पर हो रहे हैं, पूरे पंचायत के बच्चे यहाँ आएंगे। ठीक है सर। अच्छा जी, और लगभग कितने बच्चे भाग लेंगे ये बता सकते हैं पार्टिसिपेंट? लगभग इसमें 15 टीमें हैं। अच्छा सर, एक टीम 8 है, 100 बच्चे भाग लेंगे। और ग्राउंड यही रहेगा सर, स्कूल का ही ग्राउंड रहेगा? ग्राउंड अलग अलग स्कूल का है, जैसे 19 स्कूल की है तो वहाँ के बच्चे वहाँ खेल के फिर फाइनल एक जगह होगा। हॉकी, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और स्कूल के सभी बच्चे सभी टीमों में भाग लेंगे। आप देख सकते हैं जी सामने ग्राउंड है जी, 12वीं तक का स्कूल और यहाँ पर पीटी मास्टर भी है सर स्कूल में। वाह। और हम चाहते हैं कि भविष्य स्कूल का उज्ज्वल हो, बच्चे यहाँ से ओलंपिक जीते हैं। राजस्थान सरकार का ये बहुत ही ज़बरदस्त स्कूलों में नवाचार का जो सिस्टम देख रहे हैं जी आप। हाँ जी, ग्रामीण प्रताप में उभर कर आए सर, आपका धन्यवाद। नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, सिक्सिया ग्राम में राजीव गांधी